स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था, ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है। एमसीडी से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें, मेन रोड्स को बिल्कुल ना जाम करें, अपने पढ़ाई पे और अपने मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और भरोसा रखें। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा, हमने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की जांच जारी है और मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम प्रदर्शन कर रहे छात्रों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो शांति बनाए रखें। आइए सुनते हैं इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या अपडेट है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक? हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और 1 व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस गेट, उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आप जिसमें से 1 ड्राइवर है और 4 सर बेसमेंट वाले हैं, उनका क्या रोल है जो बेसमेंट के ओनर हैं? देखिए, जैसे जो बेसमेंट के ओनर्स थे उनको बेसमेंट का परमिशन स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था, ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है। वो बाकी वो जो एग्जिस्टिंग जो स्टोरेज का परमिशन कह रहे हैं उसके बारे में भी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट ये तो क्लियर है कि किसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था। सर, MCD आप देख रहे हैं या इस तरीके को किस एंगल पे आप काम कर रहे हो सर? MCD से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और उनके रोल को भी हम एग्जामिन करेंगे और जैसा कि मैंने बताया जिसका भी इसमें रोल आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक फॉल्ट क्या पता है कि क्या वजह रही है ऐसी जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है? अभी वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और इसमें जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, बेसमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड फैक्टर्स, सभी एंगल से इसको प्रॉपर्ली देखा जा रहा है। एक आखिरी सवाल, जो बच्चे के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या जो वहाँ पे जो इस तरीके का तनाव फैला हुआ उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? कल भी हम उनसे कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे हैं, हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं और कल शाम को मेरे साथ में MCD के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ इंटरेक्ट किए थे, तो हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं। उनके कंसर्न्स और उनका जो इमोशंस हैं अभी उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें, मेन रोड्स को बिल्कुल ना जाम करें और अपने पढ़ाई पे और अपने मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और भरोसा रखें।